एक बार फिर आप सभी का स्वागत है दोस्तों मेरे चैनल प्रोग्रामिंग विद नितिन में। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कि जब हम गूगल मीट से ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं उस समय हम स्क्रीन शेयरिंग तो कर सकते हैं, लेकिन अगर हमें क्लासेस लेते वक्त स्क्रीन शेयरिंग के साथ में कुछ वीडियोज भी शेयर करने हैं और हम चाहते हैं कि जब हम गूगल मीट का यूज करके वीडियो शेयर करें तो साथ ही साथ उन वीडियोज की आवाज़ भी हमारे यूजर्स के साथ में पार्टिसिपेंट्स के साथ में शेयर हो, तो ये कैसे पॉसिबल है हमारे सिस्टम डिवाइस में, डेस्कटॉप डिवाइस में, लैपटॉप डिवाइस में और मोबाइल डिवाइस में, यही हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं। मैं यहाँ पे आपको पूरा डेमोन्स्ट्रेशन दे के बताऊँगा, पूरा प्रैक्टिकल करके बताऊँगा कि वीडियो शेयर करने के साथ में वीडियो की जो आवाज़ है उसे भी कैसे शेयर कर सकते हैं हमारे मोबाइल डिवाइसेस से और हमारे सिस्टम डिवाइसेस से। तो आइए शुरू करते हैं ये ट्यूटोरियल। पहले हम शुरू करते हैं हमारे डेस्कटॉप डिवाइस से, लैपटॉप डिवाइस से, कि अगर हम गूगल मीट का यूज़ करके कोई मीटिंग को होस्ट करते हैं और उस मीटिंग में अगर हम वीडियो शेयर करना चाहते हैं, साथ में साथ हम वॉइस भी शेयर करना चाहते हैं, तो ये कैसे हो सकता है, ये हम सबसे पहले देखेंगे इस ट्यूटोरियल में, वो भी किसका यूज़ करके, डेस्कटॉप डिवाइसेस का यूज़ करके। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको वेब ब्राउज़र ओपन करना है और वहाँ पर टाइप करना है गूगल मीट। अब ये जो लिंक आपके सामने आई है आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। तो आप बाय डिफॉल्ट जिस अकाउंट से लॉगिन होंगे वो अकाउंट यहाँ पे ओपन हो जाएगा, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरा अकाउंट यहाँ पे लॉगिन है। अब मैं यहाँ से स्टार्ट मीटिंग करता हूँ। यहाँ से मैंने मेरा कैमरा जो है वो ऑफ करके रखा हुआ है, आप देख सकते हैं ये डॉट मूव हो रहे हैं मेरे बोलने पे, इसका मतलब ये जो माइक है ये काम कर रहा है और ये माइक अभी स्टार्ट कंडीशन में है। जब भी आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे ये रेड हो जाएगा, इसका मतलब ये ऑफ हो गया है। जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये ऑन हो जाएगा और यहाँ पे ये ऊपर नोटिफिकेशन आपको देता है कि माइक ऑफ है या माइक ऑन है। अब जैसा कि आप देख सकते हैं ये मीटिंग होस्ट करने पर मुझे यहाँ पे एक ये URL मिल गई है, मुझे इस ये जो पीछे वाला जो कोड है इसके थ्रू एक दूसरे डिवाइस से लॉगिन करना है ताकि मैं आपको दिखा सकूं कि वीडियो कैसे शेयर करा जाता है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, मैं ये कोड जो है मेरे डिवाइस के अंदर इंसर्ट कर देता हूं मीटिंग में आने के लिए। अब जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे ज्वाइन नाउ बटन पर क्लिक करा ताकि मेरा जो दूसरा डिवाइस है वो इस मीटिंग में भी ज्वाइन हो सके। तो यहाँ से मैंने उसको ज्वाइन होने के लिए स्टार्ट करा और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये मैसेज आ गया, समवन वांट्स टू ज्वाइन दिस मीटिंग एडमिट। तो मैंने यहाँ से मेरे दूसरे मोबाइल डिवाइस को एडमिट कर लिया है। अब जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 लिखा हुआ आ रहा है, इसका मतलब इस मीटिंग में 2 लोग हैं, क्योंकि मुझे स्क्रीन शेयरिंग करना है। तो यहाँ पे जो प्रेजेंट नाउ का ऑप्शन है ये यहाँ पे दिया हुआ है आपको स्क्रीन शेयर करने के लिए। ये मीटिंग डिटेल्स आपको दी हुई है, अगर आपको किसी को भेजनी हो तो आप यहाँ से भेज सकते हैं। अब ये जो 3 डॉट है यहाँ पे वैसे आपको रिकॉर्डिंग का ऑप्शन में मिलता है, बट वो जो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन होता है वो सिर्फ जीमेल के सिर्फ उन अकाउंट्स में होता है जो अकाउंट्स पेड होते हैं। जैसे कि हमारा जो जीमेल के अकाउंट होते हैं, कुछ अकाउंट होते हैं जो फ्री होते हैं और कुछ अकाउंट जो होते हैं वो पेड होते हैं। तो पेड अकाउंट्स के अंदर इस मीटिंग को रिकॉर्ड करने का ऑप्शन मिलता है गूगल मीट में, बट जो फ्री वाले अकाउंट रहते हैं, जो नॉर्मल हम यूज करते हैं, उसके अंदर रिकॉर्ड का ऑप्शन आपको नहीं मिलता है। तो अब मैं यहाँ से स्क्रीन को प्रेजेंट करने जा रहा हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे प्रेजेंट पे क्लिक करा, यहाँ पे 3 चीजों को पूछ रहा है, योर एंटायर स्क्रीन, अ विंडो, अ क्रोम टैब बेस्ट फॉर वीडियो एंड एनिमेशन। तो हम एंटायर स्क्रीन करते हैं। हमने शेयर कर दिया। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मैसेज आ गया, यू आर प्रेजेंटिंग टू एवरी वन, क्लिक हेयर टू रिटर्न टू द वीडियो कॉल व्हेन यू आर रेडी टू स्टॉप प्रेजेंटिंग। जब आपको स्टॉप प्रेजेंटिंग करना है तब आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे गूगल मीट
इफ शेयरिंग योर स्क्रीन स्टॉप शेयरिंग और हाइड, मैंने इसे हाइड कर दिया। जैसे ही मैं यहाँ पे प्रेजेंट नाउ पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे ये विंडो ओपन होती है छोटी सी। इसमें तीन ऑप्शन दिए हुए हैं, योर एंटायर स्क्रीन, अ विंडो, अ क्रोम टैब। तो ये जो दो ऑप्शन है इसमें आपको वीडियो या एनिमेशन से रिलेटेड शेयर करने के लिए कुछ भी नहीं मिलेगा। मतलब आप वीडियो और एनिमेशन शेयर कर सकते हैं इनके थ्रू, बट जो वॉइस है वीडियो की या एनिमेशन की वो शेयर नहीं होगी। वॉइस जो है वो ये जो तीसरा जो टैब है सिर्फ इसी के थ्रू शेयर होगी। तो जब मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ अ क्रोम टैब, तो यहाँ पे ये मेरा जो वीडियो है ये ओपन है। यहाँ पे देखिए शेयर ऑडियो का टिक भी आया है, इसको हमने शेयर कर दिया। अब जब मैं ये प्रोसेस करूँगा, इसके बाद जब मैं इस वीडियो को प्ले करूँगा, वीडियो शेयर करना है तो शेयर ऑडियो ऑटोमेटिकली यहाँ पे सिलेक्ट। तो इस प्रोसेस के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, हमारा जो सिस्टम से अगर हमें कोई वीडियो प्ले करना है या कुछ साउंड बच्चों को दिखाना है या कोई वीडियो दिखाना है, तो आप इस तरीके से दिखा सकते हैं। अब आप लोगों के पास ये डाउट होगा कि हम सिस्टम पे अगर वीडियो सिर्फ क्रोम टैब से दिखा सकते हैं, तो अगर हमें कोई दूसरा वीडियो हो जो क्रोम जो ऑनलाइन ना हो उसे हम कैसे दिखा सकते हैं, अगर हमने कोई वीडियो बनाया हो उसे कैसे शेयर करेंगे। तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पे क्या है कि जैसे मान लीजिए ये मैं म्यूजिक में गया, यहाँ पे म्यूजिक में ये सैंपल म्यूजिक दिया हुआ है, आप सभी के सिस्टम में ये होता है। इस फोल्डर पे मैं आया, यहाँ पे MP3 आपको फाइल्स मिल जाएंगी, और वीडियो के लिए आपको कौन सी फाइल का यूज करना है, MP4 का यूज करना है। तो आपका जो क्रोम ब्राउजर होता है ये MP4 और MP3 की फाइल्स जो है वो सपोर्ट करता है। तो अगर आप कभी चाहें कि आप अपनी फाइल्स को ब्राउजर के थ्रू कैसे प्ले कर सकते हैं, तो आपको ऐसे ड्रैग करना है और यहाँ पे लेके जाना है और एक नए टैब के ऊपर इसे ओपन कर देना है। देखिए यहाँ पे क्या है, शेयरिंग www.youtube.com टू गूगल मीट शेयर दिस टैब। तो इसको डिस्टैप कर देना, तो इससे क्या होगा आपकी जो फाइल है वो प्ले होने लग जाएगी। सेम इसी तरीके से आप क्या कर सकते हैं, ये जो MP4 फाइल है इसको भी आप प्ले कर सकते हैं यहाँ पे इसी तरीके से। इससे क्या होगा, आप अपने वीडियो MP3 और MP4 वाले क्रोम के थ्रू प्ले कर सकते हैं और उसे प्रेजेंट भी कर सकते हैं दूसरे पार्टिसिपेंट्स को गूगल मीट के थ्रू, अगर आप गूगल मीट का यूज कर रहे हैं। ये सिर्फ स्पेसिफिकली इसी के लिए मैंने आपको बताया है कि आप गूगल मीट के थ्रू वीडियोज और ऑडियो को कैसे शेयर कर सकते हैं। तो ये प्रोसेस अगर आप फॉलो करेंगे तो आप अपने गूगल मीट के थ्रू ऑडियो और वीडियो को प्रेजेंट कर सकते हैं अपने यूजर्स को। या तो आप ऑनलाइन जो भी वीडियो है आप प्ले करिए, या फिर अपने वीडियो को आप क्रोम के ऊपर प्ले कर सकते हैं। बस आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि आपको MP4 और MP3 वीडियो ही खुद के जो है वो क्रोम के ऊपर आप प्ले कर पाएंगे, बाकी आप कोई भी फॉर्मेट के वीडियो या ऑडियो जो है वो नहीं कर पाएंगे। तो ये जो प्रोसेस था, ये प्रोसेस था हमारा कि हम प्रेजेंट स्क्रीन कैसे कर सकते हैं गूगल मीट में, और साथ में हम ऑडियो या वीडियो कैसे शेयर कर सकते हैं हमारे पार्टिसिपेंट्स के साथ में, ताकि वो उसे देख भी पाएं और सुन भी पाएं। अब हम चलते हैं हमारे मोबाइल डिवाइस के थ्रू हम मीटिंग को होस्ट करते हैं, और हम उसका तरीका देखते हैं कि हम मोबाइल डिवाइस से अगर कोई मीटिंग को होस्ट करते हैं या मोबाइल डिवाइस से अगर हम कुछ शेयर करना चाहते हैं तो हम किस तरीके से ये कर सकते हैं। तो उसके लिए हम ज़्यादा कुछ नहीं करना है, ये जो हमारा मोबाइल डिवाइस है ये कनेक्टेड है ही हमारी मीटिंग में अभी। तो अब हम क्या करेंगे, हम इसके थ्रू कुछ चीज़ प्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे। तो मैंने यहाँ से प्रेजेंट स्क्रीन करा, स्टार्ट प्रेजेंटिंग करा। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आ गया है कि जो मोबाइल स्क्रीन यूज़र है वो स्क्रीन को प्रेजेंट कर रहा है, अभी उसने स्क्रीन को प्रेजेंट करना शुरू कर दिया है। ये देख सकते हैं ये मोबाइल स्क्रीन प्रेजेंट होना शुरू हो गई है। ये ऐसे की ऐसी स्क्रीन आपको वहाँ पे सिस्टम पे भी दिखाई देने लगी, ऊपर लिखा हुआ आ रहा है विथिन वर्मा इज प्रेजेंटिंग। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, अब हम चलते हैं बैक यहाँ से मोबाइल स्क्रीन से। जैसा कि आपने देखा
यहाँ पे हमने YouTube को ओपन कर लिया है, अब हम यहाँ पे चलते हैं और इस वीडियो को प्ले करते हैं और देखते हैं कि आपको क्या करना पड़ेगा इसकी वॉइस को भी साथ ही साथ शेयर करने के लिए। जैसे ही हमने ये प्ले करा तो अब यहाँ पे आपको क्या समस्या आएगी कि जो आपका जो ये जो वीडियो है ये प्ले तो हो रहा है बट ये साउंड प्रोड्यूस नहीं कर रहा है। अब अगर आपको वीडियो के साथ में आवाज़ भी शेयर करनी है तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सेम वीडियो जो है वो एक दूसरे मोबाइल में प्ले करना रहेगा और उसे ईयरफोन के जो माइक पोर्शन होता है उसके ऊपर आपको लगाना रहेगा और साइमल्टेनियसली प्ले करना रहेगा ताकि वो मीटिंग में भी दिखाई दे और साथ ही साथ उसकी जो वॉइस है वो भी साथ ही साथ शेयर हो जाए उसके साथ में। जैसे कि मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, मैंने ये वीडियो को स्टार्ट भी करा और यहाँ पे उसकी साउंड को प्ले भी कर दिया है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, माइक को दूसरे फोन के पास में रखकर उसका जो वॉइस है वो आप ट्रांसमिट कर सकते हैं। तो इस प्रोसेस से क्या होगा, आपके जो यूजर हैं वो आपका साउंड भी सुन पाएंगे और वीडियो भी देख पाएंगे। तो ये प्रोसेस आप एक बार फॉलो करके देख सकते हैं जिससे कि क्या होगा, आपका जो ये जो प्रॉब्लम है मोबाइल से वीडियो को प्ले करने का या साउंड को प्ले करने का ये दूर हो सकता है। तो ये जो प्रोसेस है इसके थ्रू आप अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व इजीली कर पाएंगे। हालांकि ये जो ट्रिक है ये इतना इजी नहीं है क्योंकि इसमें आपको दो डिवाइस की ज़रूरत लगेगी, साथ में आप ईयरफोन भी यूज़ कर रहे हैं। वैसे भी आप ईयरफोन और मोबाइल तो एक ईयरफोन और एक मोबाइल तो वैसे भी आप यूज़ कर ही रहे होंगे ऑनलाइन क्लासेस के लिए, तो आपको एक एडिशनल डिवाइस की ज़रूरत लगेगी इस तरह का काम करने के लिए, वो भी जब आप गूगल मीट में स्क्रीन शेयरिंग करना चाहते हैं मोबाइल डिवाइस के थ्रू। तो आपने ये ट्रिक देख लिया है जो कि गूगल मीट में आपकी मदद कर सकता है। जब आप मोबाइल से गूगल मीट ले रहे हैं तो आप साउंड कैसे प्ले कर सकते हैं, कैसे ट्रांसमिट कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करिए, इसे शेयर करिए ताकि और लोगों तक भी ये वीडियो पहुंच पाए जो ऐसी प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं और उनको भी मदद मिल पाए मेरे इस वीडियो से। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि और वीडियोस की अपडेट जो है वो आपको मिलती रहे। और आखिर में यही कहना चाहूँगा, धन्यवाद मेरे वीडियो को देखने के लिए। एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, स्टे सेफ, स्टे एट होम।